अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड वी आर गोइंग टू स्टार पार्क अफेयर्स सीरीज़। पहले हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 3000 BC से स्टार्ट हुई और 1300 BC तक रही है, और इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये एक्सटेंड करती है मॉडर्न डे जो हमारा अब का जो अफगानिस्तान है उससे पाकिस्तान तक और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इसके नेम्स जो हैं आप लोग याद रखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो इसकी अब डिस्कवरी पे आ जाते हैं कि इसकी डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई। तो डिस्कवरी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी टू मेन सिटीज़ जो डिस्कवर हुए हैं वो हैं, टू मेन सिटीज़ जिसके डिस्कवर हो 1920 और 21 में, वो हैं हड़प्पा जो पंजाब पाकिस्तान में और मोहनजोदड़ो जो सिंध में। वैसे ऑल ओवर पाकिस्तान और इंडिया में इसकी जो हैं 1050 साइट जो हैं फाउंड हो चुकी हैं, पर इसके अलावा कुछ उसमें जो कहा रिसर्चेस में आया है कि 1400 जो हैं साइट्स जो हैं डिस्कवर हो चुकी हैं, और उसमें से जो है 925 जो हैं इंडिया में हैं एंड 475 जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। और जब अगर जो पुरानी रिसर्च के मुताबिक 1050 साइट्स जो हैं डिस्कवर हो चुकी हैं, जिसमें से 611 जो हैं इंडिया में हैं और 416 जो हैं पाकिस्तान में हैं। तो अब हम इसकी डिस्कवरी में आ जाते हैं। सो इसकी एक्सकेवेशन जो है वो स्टार्ट हुई है ब्रिटिश इंडिया और इंडिपेंडेंट इंडिया में। सबसे पहले जो इसका रिकॉर्ड्स आया था कि हड़प्पा के रियूम्स प्रेजेंट हैं, वो फर्स्ट ट्रेस आउट होते हैं एक बुक में, जो बुक लिखी है चार्ल्स मैसन बुक। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो चार्ल्स मैसन बुक है, ये चार्ल्स मैसन जो, उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सोल्जर है। उसके अलावा और उसकी बुक का नेम जो स्पेशल इंपॉर्टेंट है, वो बुक का नेम क्या था जो 1842 में लिखी गई थी, फर्स्ट ट्रेस आउट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के 1842 हुआ था चार्ल्स मेसन बुक के जरिए, और उस बुक का नाम था नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलोचिस्तान अफगानिस्तान एंड दी पंजाब। फिर उसके बाद जो है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम थी, उसके बाद वो इतनी ज़्यादा 1842 में, जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया पाकिस्तान में जो था ब्रिटिश का की हुकूमत थी हमारे ऊपर, तो इतनी ज़्यादा हम वो नहीं कर सके एक्सकवेशन वगैरह। फिर 1853 में आ जाते हैं, 1853 में अलेक्जेंडर कैनिंगहम ने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को उसने डिस्कवर किया था, और उसने विजिट किया था हड़प्पा का, स्पेशल विजिट किया था। फिर उसके बाद 1921 में दियाराम सहनी जो हैं इन्होंने डिस्कवर किए थे रियूम्स एंशंट सिटी ऑफ हड़प्पा के, और ये जो डिस्कवरी थी वो बिल्कुल वेल प्लान्ड थी, और इसलिए जो है अर्बन सिविलाइजेशन जो है डिस्कवर हुई थी। उसके अलावा 1922 में आ जाते हैं, अभी 1922 में आर डी बनर्जी ने जो है एक्सटेंसिव एक्सकवेशन की थी मोहनजोदड़ो की, और उसके बाद हमारे पास जो है मोर देन 200 साइट्स जो थी वो डिस्कवर हुई थी। और इसका जो टाइटल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो जो टाइटल दिया गया है वो जॉन मार्शल की तरफ से टाइटल दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और इसको हड़प्पन सिटी भी कहते हैं सिविलाइजेशन, जो वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन कहाँ पर। सो ज्योग्राफी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस पर आ जाते हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके आसपास क्या थे, क्या कौन कौन से कंट्रीज थे। तो हमारे पास जो हैं इंडस, ये हमारे पास ये जो पूरा है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसका मैप मैंने आपको फर्स्ट में भी दिखाया है,
ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके एवोल्यूशन मैं आप लोगों को भी नेक्स्ट में बताऊंगी। ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारे पास, और इसके यहाँ पे जो है हमारे पास मेसोपोटामिया आ गया है, और यहाँ पे चाइना है, और ये जो पूरी जगह है जिसको मैं आप लोगों को हाईलाइटर से शो कर, ये जो है ये हमारे पास सी है। ठीक, अब ये कहाँ कहाँ, इसमें कौन कौन से, आप लोगों को बताया पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है और अफ़गानिस्तान है। तो हमें कैसे पता लगा कि मेसोपोटामिया इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ है, और इसके जो है ट्रेड के रिलेशन थे वो जो है, ये मेसोपोटामिया इसमें जो है उड और सी सूसा जो है मेजर ट्रेड के हमारे पास रिलेशन थे, इस वजह से हमें पता लगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हड़प्पा के सील्स हमें मिले हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके बीच में ट्रेड होता था। और दूसरी बात ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी बहुत ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी, कि वो जो थे उनका लैंड से भी ट्रेड होता था और सी से भी ट्रेड होता था। यहाँ पे हमारे पास चाइना है, और ये यहाँ पे जो ट्रेड की वो लाइन है ये इससे डोनेट हो रही है, ट्रेड की लाइन हमारी, कि उड और सी से ये ट्रेड्स मिलते थे, और यहाँ पे भी ट्रेड आके सुतकर जेंडा आ जाता था, फिर यहाँ से आगे अलाउद्दीन, फिर यहाँ पे लोथल। तो ये जो ये आ रहा है राजस्थान, गुजरात, ये सारी इंडिया की साइड्स हैं जैसे कि आप लोगों को पता है, और ये पूरा हमारे पास पाकिस्तान आ जाता है, ये इंडिया, और यहाँ पे ये अफगानिस्तान आ जाता है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी है, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, इसीलिए वो इस्टेब्लिश हुआ था, और क्योंकि वो ख़त्म हुआ है जैसे कि 1300 BC में, और उसके ख़त्म होने की यही वजह है, ज़्यादातर थेरीज में यही माना जाता है कि उसकी फर्टिलिटी जो है डिक्लाइन हो गई थी, और इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गए थे जिसकी वजह से इमिग्रेशन हो गई थी गंगा वैली में। और अब इसमें जो है अफ़गानिस्तान में जो है, जो अफगानिस्तान में जो एक साइड मैंने आप लोगों को बताया कि इंडिया में साइड डिस्कवर हुई, पाकिस्तान में साइड हुई, तो अफगानिस्तान में मेजर बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अफगानिस्तान में जो साइड डिस्कवर हुई थी उसका नाम था शुरतुआई। ये अफगानिस्तान की अब हम आ जाते हैं एवोल्यूशन में, कि हड़प्पा जो है कैसे इवॉल्व हुआ। तो हिस्टोरियन ने जो है इसको फोर स्टेजेस में डिवाइड किया है, हिस्टोरियन डिवाइड जो है इसको फोर स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे नंबर वन है प्री हड़प्पा स्टेज। प्री हड़प्पा स्टेज जो है 3300 BCI में आए थे, उस टाइम पे जो है नोमैडिक पीपल ने लिविंग स्टार्ट की थी और यहाँ पे सेटल हो गए थे। जैसे नोमैडिक पीपल, आप लोगों को पता है नोमैडिक पीपल वो पीपल होते हैं जो ट्रैवल करते रहते हैं एक साइड से दूसरी तरफ, एक कंट्री से दूसरी तरफ, जिस तरह यूएस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से नोमैड्स, इंडियन नोमैड्स जो थे, रेड इंडियंस ने ट्रैवल किया था यूएस में, और सबसे पहले वो वहाँ पे आए थे। तो इसी तरह नोमैडिक पीपल जो थे, कहीं लोग इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने इधर आके 3300 में कुछ पीपल आए, रहना शुरू कर दिया, उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे सेटल हो गए। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कि मैप है, मैंने आप लोगों को पहले बताया है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप है। यहाँ पे हमारे पास मेसोपोटामिया है, यहाँ पे हमारे पास चाइना है। तो ये इतना सा जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इतना सा जो था है प्री हड़प्पा स्टेज है, ये हमारी प्री हड़प्पा स्टेज है वन, जिसको मेहरगढ़ कहा गया था, और ये प्री हड़प्पा स्टेज है। इतनी सी स्टेज, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइज, जब नोमैडिक पीपल आए थे तो इतनी सी जगह पे जो है रहना शुरू किया था, उन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया था। फिर सेकंड आ जाती है अर्ली हड़प्पा स्टेज जो रही है वो रही है 3300 BC से 2600 BCI के बिटवीन। और यहाँ पे इस स्पीड में जो है जो पीपल यहाँ पे रह रहे सेटल हुए थे, उन्होंने मैसिव विलेजेस बना लिए थे अपने, और अर्बन सेंटर्स जो थे यहाँ पे इमर्ज होना शुरू कर दिए थे। और अर्ली हड़प्पा स्टेज जो है वो आगे थोड़ी सी उनका एरिया इंक्रीज हो गया था, और ये पूरा यहाँ से इवॉल्व होकर ये पूरा जो हमारे पास थी अर्ली हड़प्पा स्टेज आ जाती है।
थर्ड स्टेज है हमारे पास मैच्योर हड़प्पा की, 2600 टू 1900 बिफोर क्रिस्ट बीसी के बीच में थी। और इसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लार्ज अर्बन सेंटर्स बन गए थे, फ्लरिश हो गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और मर्केंटलिज्म जो था बिल्कुल अपने हाइट पे था, मर्केंटलिज्म मतलब लक जो था, टेलिस्मन लक को कहते हैं, वो जो था बिल्कुल अपनी हाइट पे था। और मैच्योर हड़प्पा जो है वो हमारे पास ये अब यहाँ से आ गया था, मैच्योर हड़प्पा ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा जो है हमारे पास मैच्योर हड़प्पा है, ठीक है। थर्ड ऑरेंज से जो मैंने मार्क किया वो पूरा मैच्योर हड़प्पा है। और फिर फोर्थ में हमारे पास आ जाता है लेट हड़प्पा फेस, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन भी है, जो 1900 टू 1300 में। और इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे फर्टिलिटी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई थी, और उस फर्टिलिटी डिक्रीज की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से इमिग्रेशन हो गई थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हो गया था। और इस टाइम तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा बन चुका था यहाँ तक। सो अब आ जाते हैं मेजर एक्सकवेशंस पे, कि कौन कौन सी एक्सकवेशंस हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, फीचर्स क्या हैं एक्सकवेशंस पे और फीचर्स पे। तो फीचर्स इसके सबसे नंबर वन जो है वो है कि उसमें इफेक्टिव टाउन प्लानिंग हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, परहैप्स जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग कैरेक्टर है। अब इसकी इफेक्टिव टाउन प्लानिंग क्या है, टाउन प्लानिंग इफेक्टिव क्यों है, अब इस टाउन प्लानिंग को मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इसकी टाउन प्लानिंग इफेक्टिव इसकी क्योंकि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग। स्ट्रेटिफाइड टाउन प्लानिंग बिल्कुल एक जैसी टाउन प्लानिंग थी, ये कि जो ज़्यादातर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिटीज़ थे वो उसमें जो था फोर्टिफाइड साइटाइडल था, साइटाइडल जो कहते हैं उस जगह को कहते हैं जो डाइवर्ट करता है फ्लड को, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पे सी था, जो है सी था इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास, तो वो जो था वहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आते थे, तो ये साइटाइडल जो था वो फ्लड को डाइवर्ट करता था और एक डिफेंसिव पर्पस जो है प्ले करता था एक एनिमी अटैक के लिए भी। और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्ट और ईस्ट पार्ट में डिवाइड था, जो वेस्ट पार्ट था उसमें हमारे पास फोर्टिफाइड साइटाइडल था जो शो करता है कि वो वेस्ट पार्ट जो था इनका बहुत ज़्यादा रूलिंग सिटी जो है रूल इलीट क्लास के लिए वो रिप्रेजेंट करता है, जबकि ईस्ट साइड जो था ईस्ट साइड में हमारे पास साइटाइडल नहीं था बल्कि ब्रिक के हाउसेस होते थे, जो अकोमोडेट करते थे कॉमनर्स को, और ये उसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास कॉमनर्स लोगों के लिए होते थे जबकि इलीट के लिए जो था वेस्ट पार्ट था। ये सर्टिफिकेशन जो है रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का था, और ये हमारे पास पॉइंट आउट करता है कि कितना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन सोसाइटी में। फिर नेक्स्ट है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम उनका कैसा था, उनकी जो जितनी भी स्ट्रीट थी वो सारी राइट एंगल में आके क्रॉस होती थी। इट इज़ द मोस्ट स्ट्राइकिंग कैरेक्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के इफेक्टिव टाउन प्लानिंग में कि जितनी भी स्ट्रीट थी वो सारी जो थी 90 डिग्री राइट एंगल पे आके क्रॉस होती थी। फिर नेक्स्ट है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम थे हाउसेस में, सारे हाउसेस में जो थे वर्टिकल जो वॉल थी उनके हाउसेस में वर्टिकल पाइप लगे थे ड्रेन के लिए, उसमें स्मॉल सेटलिंग पूल से जो ड्राइव करते थे सारे सेंटीमेंट को जो और इजीली जो हमारे पास वो ट्रैप्स वगैरह जितने भी लेटर वगैरह होता था वो रिमूव हो जाता इजीली। तो ये इनका ब्रिलियंस स्ट्राइकिंग कैरेक्टर था जो अब ड्रेन को जो था बहुत इजीली जो है वो ड्रेन आउट कर देता रिमूव कर देता था। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्किटेक्चर। इफेक्टिव टाउन प्लानिंग के बाद इनका जो सेकंड फीचर था वो है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मास्टरपीस ऑफ इंटर वैली सिविलाइजेशन का, उसको कहा जाता है द ग्रेट बाथ। अब द ग्रेट बाथ के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो फ्लोर और आउटर वॉल थी वो बिटुमाइज थी, वो वाटर प्रूफ थी, और ये मोहंजोदड़ो में है, और इसकी जो ब्रिक थी वो 6x12 मीटर साइज की थी, और ये जो है
इतनी ब्रिक्स यूज की गई थी द ग्रेट बाथ को बनाने के लिए, और ये किस लिए यूज होता था, ये रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता था। और जो रिलीजन की बात आ जाती है, मैंने आप लोगों को रिलीजन के बारे में बताया नहीं। इनका जो रिलीजन था, जो माना जाता है, वो बुद्धिस्ट और हिंदुमिस्ट था। तो वहाँ पे वो जो है इनके रिचुअल बाथिंग होती है, तो उसके लिए जो था द ग्रेट बाथ यूज़ किया जाता था, और ये मोहनजोदड़ो में है। फिर नेक्स्ट इसकी जो आर्किटेक्चर में वो आ जाता है, वो है द ग्रेट गैलरी। जो द ग्रेट गैलरी है वो भी मोहनजोदड़ो में था, और ये किस लिए यूज़ किया जाता था, ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। जो भी इकट्ठे होते थे, गैथर्ड होते थे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स में। और हड़प्पा के बाद जो है ये मोहनजोदड़ो में था ये दोनों चीज़ें, पर उसके अलावा जो था हड़प्पा में हमारे पास 6 गैरोनरी हैं, पर वो ग्रेट नहीं है। ग्रेट गैरोनरी सिर्फ एक है, वो मोहनजोदड़ो में है। देन द थर्ड करेक्टर इज द फीचर इज द आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में वैरायटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स, स्कल्पचर्स और टॉयज की नॉलेज पाई जाती है। वेल डेवलप्ड नॉलेज उनके पास पाई जाती है। वो बहुत ज़्यादा क्राफ्ट मेकिंग करते थे। उसमें कॉमन प्रैक्टिस में जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन प्रैक्टिस जो कंट्री जिन साइट्स में सिटीज़ में की जाती थी, वो थे थारा, बालाकोट, नागेश्वरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो टाउन से जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट मेकिंग होती थी। और मैनी क्राफ्ट जो हैं अभी जो हैं इंडिया और ब्रिटिश म्यूजियम में हमारे पास पड़े हुए हैं। और इनमें से कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे कि स्टोन स्कल्पचर के क्राफ्ट्स की अगर हम बात करें, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा फेमस है रेड सैड स्टोन। और जो रेड सैंड स्टोन, जिसको टोर्सो भी कहा जाता है, और ये टोर्सो क्या है, ये अपर मेल बॉडी पार्ट है। फिर उसके बाद आ जाता है मेल बियर्डेड मैन स्कल्पचर, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक बियर्डेड मैन है जिसने एक तरफ जो है ट्रिफॉइल पैटर्न की शॉल पहनी हुई है, और वो जो शॉल है वो जो उसने शॉल पहनी हुई है, और ये स्टोन का पूरा स्कल्पचर बना हुआ है, वो शॉल ट्रिफॉइल पैटर्न की है, जो इंडिकेट करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस भी होती थी। उसके अलावा आ जाता है ब्रॉन्ज कास्टिंग। ब्रॉन्ज कास्टिंग में हमारे पास बहुत ही फेमस हैं नेम्स है, जैसे कि डांसिंग गर्ल, जो 4 इंच क्लास की ब्रॉन्ज की फिगर थी, और ये जो है त्रिबांगा पोस्टर में होती है। त्रिबांगा पोस्टर एक डांस का नाम है। उसके अलावा हमारे पास बेफलो है, गोट, एनिमल फिगर्स बहुत ज़्यादा उसमें बनाई जाती थी। उसके अलावा जो है हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारे पास टेराकोटा फिगर्स आ जाती हैं। टेराकोटा फिगर्स वो होती हैं जो क्ले की बनी हुई होती हैं। इसमें हमारे पास टॉय कार्ड आ जाती है और मदर मदर गोडेस आ जाती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द सील्स। और सील्स क्योंकि आप लोगों को पता है कि ट्रेड होता था लैंड से भी, और सी ट्रेड भी होता था, लैंड ट्रेड भी होता था। सील्स हमें बहुत सारी मिलती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं ट्रेड होता था। और वो सील जो है टेराकोटा, स्टीटाइट की, कॉपर की, गोल्ड की, इवरी की, सिल्वर की जो है हमें मिली हैं। और फेमस जो थी, जो मोहनजोदड़ो में यूज़ हुई है, वो है पाशुपति सील। इट इज़ द मोस्ट फेमस सील जो ट्रेड के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा आ जाता है पोटरी। पोटरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो व्हील मेड जो है यूज़ हुई है, और इसमें रेड एंड ब्लैक वेयर पोटरी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसमें सबसे इसका स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल कर्व्स जो हैं वो कॉमन हैं। और उसके अलावा इनके अलावा आर्टिफैक्ट, आर्किटेक्चर, इफेक्टिव टाउन प्लानिंग, इनके अलावा हमारे पास जो अदर वो चीज़ें हैं वो क्लॉथ मेकिंग है और एम्ब्रॉयडरी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जैसे बियर्डेड मैन ने पहनी हुई थी, बोथ मेकिंग क्राफ्ट है। और हड़प्पा में जो है वेट मेजर्स बहुत ज़्यादा मिले गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मिले गए हैं जो मेजर करते थे, स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है मॉडर्न से जो आजकल हम यूज़ करते हैं किसी वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो सब जो है हड़प्पा में उस टाइम भी पाए गए हैं। सो लेट्स डू अ क्विक रिव्यू। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 to 1300 BC के बीच में आई है, और बिफोर क्रिस्ट। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्ट्राइकिंग फीचर्स के बारे में बात कर लें, तो इसमें हमारे पास इफेक्टिव टाउन प्लानिंग आ जाती है, आर्किटेक्चर आ जाता है, आर्किटेक्चर के अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट आ जाता है, और फिर बहुत ज़्यादा हमारे पास इनके सील्स आ जाते हैं जो ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें हमारे पास एम्ब्रॉयड्री आ जाती है, इनके सैंड एंड स्टोन के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं,
और इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो हमारे पास वहाँ पे मेसोपोटामिया है और चाइना है, और चाइना के अलावा यहाँ पे सी है जो ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया मॉडर्न डे के इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं, जिसमें हमारे पास ASI के और यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो है 1400 साइट्स जो हैं डिस्कवर हो चुकी हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इंडिया में 975 है और पाकिस्तान में 475 हैं, और अफगानिस्तान में एक साइट जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कॉलोनी जो डिस्कवर हुई है उसको, उसका नाम शोरतुगाई है, और इसमें ट्रेड रूट है हमारे पास, ट्रेड प्रेजेंट करता है मेसोपोटामिया के साथ, उड और सूसा के जरिए वो आ रहा है हमारे पास सुद एजेंडा से लोथल तक, तो ये हमारे पास उसका ट्रेड रूट है। और इसके अलावा इसकी एवोल्यूशन जो है हम हिस्टोरियंस ने फोर साइट्स में फोर स्टेजेस में डिवाइड की है, प्री हड़प्पा स्टेज, अर्ली हड़प्पा स्टेज, मेच्योर हड़प्पा स्टेज और लेट हड़प्पा फेस में जो डिफरेंट ईयर्स के बीच में आ रही है, और वो कहाँ कहाँ से इवॉल्व हुई है, पहले वो इसमें थी, वो वहाँ से पंजाब तक चलेगी, पंजाब से भी वो पूरा उसने सिंध अफगानिस्तान को कवर किया एंड देन इंडिया, और इसका एंड ऐसे हुआ कि अकॉर्डिंग टू मैनी थेरीज इसका एंड जो है फर्टिलिटी की वजह से हुआ, और यहाँ पे जो नुमेडियंस आए थे वो इस वजह से आए थे कि ये लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी और वो यहाँ पे सेटल हो गए थे प्री हड़प्पा स्टेज के अकॉर्डिंग, पर जैसे जैसे उनकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होती गई लैंड की, तो जो है एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए और जिसकी वजह से उनको इमिग्रेशन करने की और इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हो गई। कि अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट, जो रिसेंट साइट जो डिस्कवर हुई है वो कौन सी है, वो हमारे पास है गुजरात में, इंडिया में धोलावीरा, धोलावीरा, और ये जो है लार्ज रिसर्वॉयर एलिब्रेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्ट्री है जो फेमस है, और इसके अलावा मोहनजोदड़ो के बारे में आप लोगों को बताया, उसको माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है और जिसका मीनिंग है कॉटन वॉल। फॉर एंटरिंग द टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन हेल्प अस एशियंस एंड ऑल इज दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन हेल्प टू चैलेंज हेजेमनी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, क्योंकि ब्रिटिश कहते थे कि उनका कल्चर है वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, जो भी किसी ने सीखना है तो उसको ईस्ट को जो है वेस्ट से सीखना चाहिए कि वो कैसे सिविलाइज्ड रहते हैं एंड ऑल दिस वाइट फैक्टर, पर इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ये मिथ जो है इसको तोड़ा है कि सिर्फ वेस्ट ही सिविलाइज्ड है, उन्होंने बताया है कि ईस्ट भी सिविलाइज्ड है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन हेल्प्स अ लॉट टू चैलेंज हेजेमनी ऑफ ब्रिटिश एंड इट हेल्प्स अ लॉट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक माय वीडियो एंड इट हेल्प्स यू इन एनी अदर वे सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।